एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। न्यू रेसिपी बताने से पहले, आप लोग जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले रिसीव हो नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना के पकौड़े, जो आप व्रत में बनाइएगा और व्रत में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स में मैं देखिए, यहाँ पे एक कटोरी मैंने यहाँ मूँगफली लिया है, जिसको मैंने अच्छे से भून लिया था और मैंने इसके छिलके हटा दिए थे। यहाँ मैंने लिया है 3 आलू, जिसको मैंने उबाल के रख लिया था, छिल लिया है मैंने, छिलके हटा दिए। यहाँ लिया देखिए थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, यहाँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, यहाँ हमारा है सेंधा नमक क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, और यहाँ लिया है मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, जिसको धो के अच्छे मैंने काट के रख लिया है। यहाँ लिया है मैंने हरी मिर्च, जो मैंने काट के यहाँ पे अच्छे से छोटे-छोटे पीस में रख लिया है। और यहाँ लिया है मैंने एक कटोरी साबूदाना, जिसको धो के मैंने अच्छे से यहाँ पे रख लिया है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिया है सारे हम व्रत में ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप व्रत में कोई यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसको ज़रूर स्किप कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ मैंने छोटा सा जार लिया है और यहाँ जो हमारी मूँगफली है, मैं मूँगफली को यहाँ पे जार में डाल लूँगी और हम मूँगफली को यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। हमें ज़्यादा उसको बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा हम इसको यहाँ पे पीस लेते हैं फटाफट। देखिए, यहाँ हमने ग्राइंड कर लिया है मूँगफली को और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना दरदरा हमने यहाँ पे पीस लिया है मूँगफली। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है बाउल, मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई भी बाउल आप ले सकते हैं, स्टील का, प्लास्टिक का, मैंने प्लास्टिक का लिया है। और अब मैं यहाँ पे सब कुछ मिक्स करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो आलू है, मैं आपको दिखा दूँ, आलू हमें यहाँ पे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के लिए मैंने छोटा सा सांचा लिया है, आप कैसा भी सांचा ले सकते हैं फ्रेंड्स, बड़ा है, छोटा सांचा है, कोई भी है, कद्दूकस करना है। उसमें जो आपका होल है, आप थोड़ा मोटे वाले होल से करिएगा तो थोड़ा सा आपका मोटे कद्दूकस होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स के होल होते हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे फटाफट मैंने कद्दूकस कर लेती हूँ आलू को, हमारे जो उबले हुए आलू हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने आलू को कद्दूकस करके रख लिया है, हमने 3 जो आलू लिए थे। अब मैं यहाँ जो साबूदाना है वो हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। यहाँ सबसे देखिए, मैं आलू तो हमने डाल ही दिया है यहाँ पे कद्दूकस करके, और साबूदाना भी रख लिया हमने। अब हम यहाँ पे हरी धनिया पत्ता जो हमने काट के रखा था वो भी हमने यहाँ पे बाउल में मिक्स कर लिया है, और जो हरी मिर्च मैंने यहाँ काट के रखा था हरी मिर्च भी मैं ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ सेंधा नमक। सेंधा नमक स्वाद अनुसार लीजिएगा, आप कितना नमक यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा स्वाद के लिए। अगर आप मिर्च कम पसंद करते हैं तो स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्च तो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ ले रही हूँ काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च भी थोड़ा सा लिया है, वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जो मैंने मूँगफली जो यहाँ पर मैंने ग्राइंड करके रखा था, दरदरा पीसा था मैंने, वो हम यहाँ पर रख लेते हैं बाउल में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारा इंग्रेडिएंट्स जो है हमने यहाँ पे बाउल में रख लिया है। तो चलिए, अब हमें यहाँ पे बनाना है बैटर, क्योंकि हम यहाँ बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए पकोड़े, जो हम साबूदाना के पकोड़े बना रहे हैं। तो आप व्रत में साबूदाना के पकोड़े ज़रूर बनाएं। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले देखिए, अब मेरे को यहाँ पर जो बैटर बनाना है, तो मैं यहाँ पर सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। और मैं आपको फ्रेंड्स इसमें बताऊं कि यहाँ जो हमने मूँगफली जो हमने यहाँ पे ग्राइंड करके हमने पीस के यहाँ पे दरदरा जो हमने यहाँ पे मिलाया है, वो हमने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया है कि क्योंकि ये हम यहाँ पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, और मूँगफली से ही हमारा यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा बैटर। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पर बन रहा है हमारा, और देखिए कितना अच्छा हमारा यहाँ पर बाइंड हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अच्छे से जो हमारा बैटर है हमने अच्छे से यहाँ पे देखिए मैश करके अच्छे से घूम के हमने रख लिया है, और बहुत ही अच्छी देखिए यहाँ पे हमारी जो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, ज़्यादा देखिए मैंने पानी तो यूज़ ही नहीं किया है,
और जो साबूदाना में थोड़ा सा पानी था वो भी यहाँ पे बैटर में एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि आलू और मूंगफली जो है वो यहाँ पे बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। और चलिए फिर हम आगे फटाफट बनाते हैं, यहाँ पे बहुत देरी नहीं करते। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी लिया है हाथ में, आप यहाँ पे पानी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हाथ में तेल भी ले सकते हैं, तो जो भी आपको सही लगे। जिससे इससे क्या होगा कि हाथ में स्टिकी नहीं होगा, स्टिकी मतलब आपका चिपकेगा नहीं हाथ में बैटर। तो यहाँ पे आप बैटर किसी भी शेप में आप यहाँ पे बना सकते हैं, आपको गोल में बनाना है, लंबे में बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे जो साबूदाना के पकौड़े बना रही हूँ वो थोड़ा सा मैं यहाँ फ्लैट करके बना रही हूँ, और मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा गोला करके लिया और देन मैंने इसको हाथ में थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, और फ्लैट करके आप थोड़ा सा इसको जैसे भी शेप में आप इसको थोड़ा सा रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं इस तरीके से फ्लैट यहाँ पे साबूदाना के पकौड़े बना रही हूँ। तो चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पे एक हमने साबूदाना का पकौड़े यहाँ पे शेप तैयार कर लिया। अब मैं दूसरा यहाँ पे करती हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से। यहाँ पे हमने पहले क्या किया कि बैटर लिया थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा हमने उसको हाथ में राउंड करके गोल कर लिया। गोल करके देन आपको हाथ में दोनों हाथ से प्रेस कर देना है इसको, जिससे ये फ्लैट हो गया। और थोड़ा सा आप इसको डिज़ाइन के लिए हाथ में इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप थोड़ा सा मोल्ड इस तरीके से कर लें। आप नहीं भी करते तब भी आपका ये इस तरीके से आपका शेप फाइनली तैयार हो जाएगा आपका साबूदाना का। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट मैं आपको सारे बैटर का इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बना के। देखिए हमने यहाँ पे बैटर से सारा हमने इस तरीके से जो पकौड़े का शेप है हमने तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। तो चलिए हमें आगे इसको फ्राई का हम तैयारी करते हैं। देखिए हम गैस की तरफ आ गए और मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, और हमने रिफाइंड ऑयल यहाँ पे आप उस मेजरमेंट से डालें कि डीप फ्राई हमारा पकोड़ा हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम 2 मिनट तेल को हम गरम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा तेल जो है गरम हो चुका है, और चलिए हम यहाँ पे वन बाय वन हम रख लेते हैं अपनी बैटर को, हमने पकौड़ा तैयार किया है। देखिए यहाँ पे हमारा जो पकोड़ा है अच्छे से फ्राई हो रहा है, और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ अभी बिल्कुल हमने टच नहीं किया पकोड़े को, और आप देख सकते हैं पकोड़ा हमारा जो है कितना अच्छा फूल के आप देखिए ऊपर आ रहा है, मतलब अच्छी फ्राई हमारी यहाँ पे हो रही है, डीप फ्राई हो रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ देखिए हमारे जो साबूदाना के पकौड़े हैं वो अच्छे से यहाँ पर डीप फ्राई हो चुके हैं, और बिल्कुल आप देख सकते हैं लाल हमारा यहाँ पर हुआ है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेती हूँ सारे पकौड़ों को, और मैं आपको बता दूँ पकौड़े जो है हमने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करना है कि कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो मैंने दोनों तरफ से इसको पलट के मैंने अच्छे से फ्राई किया है। तो चलिए फ्रेंड्स पकौड़े हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं फाइनली, तो मैं अब निकाल लेती हूँ एक एक करके। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे जो पकोड़े हैं हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिया है प्लेट में, और मैं आपको पास से दिखा दूँ कहीं से भी हमारे जो पकोड़े हैं वो फटे नहीं है, कोई भी लेयर देखिए यहाँ से फटा नहीं है, थोड़ा सा भी हमारा जो बैटर है निकला नहीं है। तो चलिए अब हमारे जो यहाँ पे हमने जितना तैयार कर रखा था पकौड़ा तो हम फटाफट इनको भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो हमारे रेस्ट जो बचे हुए थे हमारे साबूदाना के पकोड़े हमने उनको भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इनको भी हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। फाइनली फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे सारे जो पकोड़े हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे देखिए खीरा का रायता भी मैंने यहाँ पे बाउल में सर्व किया है, कि अगर आपको जब भी खाने का मन हो आप साबूदाना का जब भी आप पकौड़ा बनाएं तो रायते के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने जो खीरे का रायता बनाया है ये व्रत वाला बनाया है, तो प्याज का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने खीरे का रायता जो है पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उसमें प्याज यूज़ है, लेकिन आप प्रोसेस पूरा देख सकते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि हमने खीरा का रायता कैसे बनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में, और पकोड़े भी आपको साबूदाना के व्रत वाले अच्छे लगे हो तो व्रत में नवरात्रि व्रत में ज़रूर बनाइएगा साबूदाना के पकोड़े, और बताइएगा चैनल में मेरे कमेंट सेक्शन पे कि आपको कैसा लगा और आपने इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से नए नए टेस्टी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी आप लोगों के पास। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।